इधर देखो। तो अभी हम जा रहे हैं स्कूल की तरफ, मानो ने सलाम कर दिया है आपको, और अभी से हमारा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। और आज की जो भी रूटीन होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। छोटा सा व्लॉग बनने वाला है। अभी ये देखो बच्चे 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 कैसे हो। बच्चों को पता नहीं क्या हुआ, वो डर भाग गया है बड़ा भाई उसका, और छोटी बहन रो रही थी। तुम उसको क्यों तंग कर रहे हो? ओए ओए ना करो। नाश्ते के लिए नान लाई हूँ, और इधर मैंने आज नाश्ते के लिए चने लाए हैं। तो आज हम नान चने का नाश्ता करेंगे। और ये मम्मा के बच्चे जो हैं, ये मानो का बच्चा धूप में, और ये मम्मा का बच्चा है ना धूप में शोर बहुत कर रहा है। किसके बेटे हो? गुस्सा आया हुआ है, नीचे बच्चे खेल रहे हैं ना उन पे गुस्सा आया हुआ है, वो शोर कर रहे हैं। उनको डांटो मिटू, डांटो उनको, डांटो। ये कौन है, ये कौन है, कौन है मम्मा का बेटा, कौन है? नहीं बता रहा। और ये जो हैं सारे इधर हैं नीचे स्ट्रीट देखने। ये बच्चे जो हैं आज सुबह 5 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, पागल सुबह 5 बजे से लगे हुए हैं। तो अभी तो खैर 9 बज गए हैं, लेकिन आज सैटरडे है। सैटरडे को अक्सर स्कूलों की छुट्टी होती है, और अक्सर स्कूल के बच्चे जाते हैं, तो मनाल और इशाल तो सैटरडे जा ऑफ नहीं होता, वो स्कूल ही जाते हैं। तो ये चले गए हैं स्कूल, और मैंने घर अपना सारा क्लीन किया हुआ है, धो लिया था सुबह सुबह ही मैंने सारा। तो अभी मैं नाश्ता करती हूँ, क्योंकि मैं नाश्ता कर ही रही होंगी तो इसके बाबा आ जाएं, तो काम वाली आ जाएगी नीचे वाला पोर्शन साफ़ करने के लिए, तो इसलिए मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स ऑटम स्टार्ट हो चुका है, तो ये देखें पत्ते जो हैं आहिस्ता आहिस्ता येलो हो रहे हैं, और ये येलो होने के बाद ये गिर जाएंगे, और फिर ये बिल्कुल यानी कि खाली खाली पेड़ हो जाएंगे। जैसे अब ये वाला पेड़ है ना, ये तकरीबन खाली हो चुका है, और अभी और मज़ीद भी इसके पत्ते झड़ जाएंगे और बिल्कुल ये खाली हो जाएंगे। और ये जो सारी ग्रीनरी है ना, ये भी सारी ख़त्म हो जानी है, और इस तरह के पहाड़ निकल आएंगे, मिट्टी वाले पहाड़ निकल आएंगे। यहाँ ये अभी तो बारिशें वगैरह हुई हैं तो ये इसलिए ग्रीनरी है, लेकिन ऐसा ऐसा ये सारी पहाड़ों से ग्रीनरी ख़त्म हो जाएगी और मिट्टी के पहाड़ निकल आएंगे ये सारे। तो ये देखें ये वाला पेड़ भी जो है ये भी येलो हो रहा है ऐसा ऐसा, इसके भी पत्ते गिर जाएंगे। वो ये वाला भी तकरीबन सारे पेड़ येलो हो रहे हैं, क्योंकि ऑटम है, ऑटम के साथ ही विंटर स्टार्ट हो जाता है। तो विंटर ऑटम ये जो है उससे गंद बहुत पड़ता है। लो पत्ते 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 पत्ते, शुक्र है हमारे घर में ट्री नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी मैं फ्राई कर रही हूँ चिप्स, मैंने चिप्स रख दी हैं फ्राई होने के लिए। तो ये देखें मेरा चूज़ा, मानो का चूज़ा जो है, रात हो चुकी है तो हम इनको अंदर ले आए हैं, और ये मम्मा का बेटा जो है ये भी खाना खा रहा है रात का, और उसको गुस्सा आया हुआ है। अच्छा उसकी हरकत देखो, कहते हैं मेरे साथ बात ना करो, मैं खाना खा रहा हूँ। मम्मा का बेटा कहाँ है? मम्मा का बेटा है जी, मम्मा का बेटा बैठा हुआ है इधर, वो गुस्सा आया हुआ है, आवाजें निकाल रहा है। कौन है ये? ए, ए, गन्ने बच्ची, गन्ने बच्ची। तो ये अपनी फीड खा रहा है ना, अभी मैंने इसको फीड डाली है, तो देखिए अभी बात का कोई जवाब नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, गुस्सा आया हुआ है।
बच्चे को आया हुआ है गुस्सा, आंखें देखे गोल गोल कर रहे गजा बच्चा गजा बच्चा। दुम इसकी माशाल्लाह बहुत लंबी हो गई है, पहले इसकी दुम छोटी सी थी, अब माशाल्लाह लंबी हो चुकी है। और फ्रेंड्स आप बताइएगा कि ये तोती है कि तोता है, क्योंकि ये इसकी गानी शानी तो निकल नहीं रही। देखें गर्दन से कलर, गर्दन का थोड़ा सा चेंज है, लेकिन ये कि रेड वगैरह तो कुछ नहीं है। लेकिन ये अभी 1.5 साल, हाँ 1.5 साल का बच्चा है ये, 1.5 साल का। तो कितने अरसे में गानी शानी निकालते हैं मुझे तो नहीं पता, कब तक निकालते हैं। तो सब कहते हैं ये तोती है, क्योंकि ये गुस्सा भी बहुत करते हैं ना, तो सारे कहते हैं ये तोती है। तो व्यू देख लें रात का, खूबसूरत सा व्यू। रात हो चुकी है, हर कोई सोने के लिए अपने अपने घरों में चले गया है, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, तो इसलिए सरे शाम ही लोग अपने घरों को चले जाते हैं और बस अपने घरों में बैठ के जो है एंजॉय करते हैं। गलियों सड़कों में बाहर चौकों पे दुकानें भी तकरीबन 9 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा खुली रहती हैं, बंद हो जाती हैं। तो मैंने तो कपड़े निकाल दिए, सुबह संडे है तो संडे के दिन हम कपड़े वॉश करवाते हैं। तो मैंने बेडशीट्स वगैरह उतार दी हैं, ये बच्चों की बेडशीट्स हैं, ये मेरी हमारी बेडशीट है, और मनो मानो रिशाल के ब्लैंकेट जो हैं गर्मियों के वो धुलवा दूंगी। तो अभी इनके लिए मैंने रज़ाइयाँ निकाल ली हैं, क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो गई है तो रज़ाइयों की अब ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने रज़ाइयाँ निकाल दी हैं। तो फ्रेंड्स अभी रात हो चुकी है और टाइम हो चुका है 8:30 का। तो बस आपको तो पता है कि मैं जल्दी सो जाती होती हूँ, और आजकल तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से मैं मेडिसन लेती हूँ तो फ़ौरन ही मुझे नींद आ जाती है, और कभी भी यानी मेडिसिन का असर ख़त्म हो जाता है तो आधी रात को उठ के बैठ जाती हूँ, और फिर बस बहुत यानी कि अजीब सी रात गुजरती है आजकल मेरी, क्योंकि मुझे जिगर का भी प्रॉब्लम है और मेरी दोनों किडनीज में जो है स्टोन है। और आजकल विंटर स्टार्ट हो चुका है तो मैं पानी ज़रा कम पी रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे पेन शुरू हो गया, क्योंकि समर में तो बंदा पानी पीता ही रहता है ना, लेकिन विंटर में ये है कि नहीं पी सकते इतना, क्योंकि तलब भी नहीं होती, लेकिन डॉक्टर तो कहते हैं कि तलब हो कि ना हो पानी पीना चाहिए। तो खैर दुख बीमारियां तो हर किसी के साथ लगी रहती हैं, किसी को ज़्यादा बीमारी किसी को कम, तो हर किसी के साथ आजकल यही प्रॉब्लम चल रही है। तो कोई बात नहीं है, बस बंदा ठीक हो ही जाता है, कुछ नहीं। अभी मैंने नीचे जाके बच्चों को पराठे बना के दिए, आज मैंने बनाई हुई थी दाल, तो दाल के साथ ज़रा पराठे वगैरह अच्छे लगते हैं, तो मैंने फिर बच्चे शौक से भी खा लेते हैं, तो मैंने पराठे बना के दिए हैं, तो वो अभी नीचे ही हैं, खाना शाना खा रहे हैं, ऊपर नहीं है, ऊपर मैं अकेली बैठी हुई हूँ, और मिठू है और चूज़ा है मेरा। तो बस इन परिंदों से ही दिल लगाया हुआ है हमने तो। मिठू तो मेरा बेटा है, आप सबको पता ही है, मिठू तो मेरा बेटा है, और आजकल मुझसे वो खफा है, क्योंकि गेस्ट आए हुए थे तो उनमें दादो थी, उन्होंने ना स्टिक वगैरह उसको दिखाई, तो तब से खफा हुआ है। मुझे भी जो है, हमें पास जाती हूँ तो बस काटने के लिए दौड़ता है, तो काफ़ी सारा गुस्सा आया हुआ है। तो अभी भी मैं उसको फीड देने गई थी, तो फीड यानी कि नहीं ले रहा था, पहले मेरे ऊपर उसने झपटा है, मुझे काटने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने जो है उसको किसी न किसी तरह करके उसकी फीड भी रखी है और उसको फीड देकर आई हूँ अभी मैं। तो खैर मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं एक सुबह एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर होंगी, जब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।
फोन किया ही नहीं है। ये देखिए मनु आके बैठ गई है और ये ईशाल बैठ गई है। तो बस अब सर्दी हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता मंदिर जाते हैं। खाना चाना खा लिया मानो वहाँ पे, उसको पता ही नहीं चला। वो वीडियो देख कर वो गेम में घुसी हुई और मुझे जवाब ही नहीं दे रही। मानो मम्मा कुछ पूछ रही है, कौन सी वाली गेम खेल रही हो? पता नहीं इसको शीदा बोलते हैं। शीदा सबवे सफर तो सही बोलते हैं, उसका नाम बोलते हैं शीदे। हाँ। क्या कहते हैं शीदे? एक तो एक लड़की होती है, वो पैसे नहीं हमारे पास, उसके लिए बहुत ज्यादा पाउंड चाहिए, हमने मोटा लिया, उसको बोला बबलू, उसका नाम शीदा है। तो वो क्या कहता है?